हेलो फैमिली, तो आज है हमारे सीरीज का डे 4, डीएम एंड डीएफ, वर्क योर डिफरेंसेस। तो सबसे पहले गाइस देखते हैं आगे बढ़ के कि डीएम हमारे लिए क्या क्लियर करना चाहते हैं, आज क्या मैसेज आ रहा है। तो मुझे ये आ रहा है, अटक रहा है मेरे हाथों में, तो यही वाला लेती हूँ और एक डीएफ का कार्ड भी ले लेती हूँ कि डीएफ क्या कहना चाहती है डीएम को और डीएफ अपनी क्या बात क्लियर करना चाहती है। ये हो गया और बाद में देखेंगे गाइस, टॉप कार्ड भी हिल रहे हैं दो, तो उसको भी ले लेते हैं हम। और गाइस मुझे गाइड ये हुआ है कि डीएफ और डी कार्ड्स वापस मतलब रख देने चाहिए डेक में और सिर्फ डीएम के नए नए कार्ड्स निकलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, तो सबसे पहले डीएम का देखेंगे कि डीएम क्या बात कहना चाहते हैं। लव इज़ अ वेरी स्ट्रांग इमोशन फॉर मी। तो जब डीएम ऐसा कह रहे हैं कि लव या लव का वर्ड यूज होते ही उनको ट्रिगर हो रहा है या कह रहे हैं ऐसे मत बोलो, लव वव की बातें मत करो, इसका मतलब ये है कि उनके लिए लव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इमोशन है, उनके लिए वो वर्ड्स का बहुत ज़्यादा मायने है और हमारे लिए भी है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड ना जाना ना पहचाना ना क्या ना समझा एक दूसरे को, सीधा लव कैसे हो गया इसको मुझसे। तो वो एक बहुत चीज़ है कि वो ये लव वर्ड बहुत आसानी से किसी को नहीं बोलते हैं, वो ये लव वर्ड वो अपने दिल के अंदर दबा के रख सकते हैं लेकिन किसी को बता नहीं सकते, और उनको ये अच्छा भी नहीं लगता है कि अगर उनको कोई लव वर्ड बोले, क्योंकि वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, जैसे एक बहुत पहाड़ वाली चीज़ बता दी उनको। तो लव इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन फॉर मी। देखिए गाइस, घड़ी घड़ी बंद करने का मन कर रहा है इस कार्ड को, तो ये खुद ही बता रहा है ये चिट की भाई लव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, इट इज वेरी प्राइवेट, इट इज वेरी सीक्रेट, ठीक है। और डीएफ कह रही है आई एम नॉट स्टूपिड, आई एम इनक्योरेबली रोमांटिक। तो डीएफ कह रही है इसका मतलब ये नहीं है कि लव मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या ये नहीं है, मैं हूँ इनक्योरेबली रोमांटिक और मैं तुम्हारे से थोड़ी सी डिफरेंट हूँ और मैं लव बोलूंगी और मैं मतलब सब चीजें करूंगी जो लव दिखाएंगी, समझ रहे हो। यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन हु हैज हर्ट मी सो मच एंड आई एम एंट लीविंग सो फास्ट। तो कह रहे हैं डीएफ साफ साफ कि तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने मुझे इतना हर्ट किया है और ये और वो है, और तुम्हारी ये सारी बातों से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। व्हेन यू आर माय डीएम आई एक्सपेक्ट यू टू बी माय फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड अ लवर। तो आप ये चाहते हो कि डीएम वो लव वाला पार्ट भी इस्तेमाल करे, तो कहीं ना कहीं डीएफ ये कह रही है कि आप डीएम कह रहा है कि मैं ये लव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इमोशन मेरे लिए और ये सब, और ये वर्ड्स मैं सबको नहीं बोलता और ये इमोशन मैं सबको नहीं दिखाता और ये इमोशन मैं सबके लिए फील नहीं करता हूँ, लेकिन डीएफ ये कह रही है कि नहीं मैं ये सब सबको दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टूपिड हूँ या मैं अपने इमोशंस को ओवर ये कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। और ये सब बातें जो है अगर तुमने लव बोल भी दिया और चले भी गए तो तुम पहले इंसान नहीं होंगे जिसने मुझे लव वव और ये सब दिखाकर भाग गए हो, ठीक है। ये चीज़ भी डीएफ बहुत क्लियरली बताना चाह रही है। और फिर यू व्हेन यू आर माय डीएम आई एक्सपेक्ट यू टू बी माय फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड अ लवर। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ फ्रेंड बनना और मुझे गाइड करते रहना और मुझे भाषण और लेक्चर देना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मेरे लवर बनो। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए आर्कएंजल गैब्रियल के साथ। देखते हैं आर्कएंजल गैब्रियल इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हमको क्या हीलिंग का काम बताते हैं। तीन आए हैं, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, ठीक है। व्हेन यू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स व्हेन यू अप्रिशिएट द करंट ब्लेसिंग्स। तो कहीं ना कहीं डीएम अगर आपको जो भी दे रहे हैं, फ्रेंड वाला, फिलोसोफर वाला, गाइड बन रहे, तो उस रोल को अप्रिशिएट करो, उस चीज को अप्रिशिएट करो कि कम से कम इतना तो कर रहे हैं फिलहाल। जब आप लोग ये सब चीजें अप्रिशिएट करोगे और बोलोगे कि चलो तुम एक अच्छे फ्रेंड हो, ये हो, वो हो, उनको अप्रिशिएशन तुमसे मिलेगा, तो फिर वो एक नेक्स्ट लेवल को भी इनिशिएट करेंगे। बर्थ न्यू आइडिया, न्यू प्रोजेक्ट, हैप्पी न्यूज। तो ये कह रहे हैं कि आपके लिए एक हैप्पी न्यूज आ सकता है इस चीज को लेकर और आपका कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, या एक कुछ ऐसा हो सकता है। राइटिंग एंड क्रिएटिंग विल हेल्प एंड सपोर्ट। तो आप एक अपने डीएम को अगर बोल नहीं पा रहे हो तो लिख कर
कह दो उनको मैसेज में कि भाई ये भी मेरे से, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, ये मेरी बातें है, मतलब अपने बातों को क्लियर कर लो। अगर बोल के नहीं क्लियर कर सकते तो कम से कम लिख के करो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि एक लेटर लिखो अपने DM को और अपनी दिल की बातों को हल्का कर दो। ये लेटर उनको जाकर देना नहीं है, ये लेटर को आपको फिर घर पे जलाकर उसके एशेस कलेक्ट करके खिड़की के बाहर ब्लो कर देना है। तो ये लेटर जो है उसको जला देना है, उसकी जो भी राख बचती है उसको खिड़की के बाहर ब्लो कर देना है। लेकिन जो भी आपके मन में है उसको खाली करो, उसको बताओ, उसको लिखो, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी आपके DM आपको अभी दे पा रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो। तो उनको लगेगा कि भाई ये चीज़ को इतना अप्रिशिएट कर रही है तो मैं इसको नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन दे सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।